असलम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे आज हम जो लेसन वांका हमने पढ़ा था यूनिट नंबर सेवन उसके कम्फिन्शन क्वेश्चन करने जा रहे हैं और एम सी क्यूज सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड वांकाज मास्टर एंड मिस्ट्रेस ट्रीट हिम यानी वांका की जो मालिक था और जो मालकन थी उसका सलूक वांका के साथ कैसा था तो स्टोरी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो वांका का मास्टर था जो मालिक था वो काफ़ी जुल्म किया करता था वांका पे अगर वो बच्चे को झूला जुला, झुलाते हुए सो जाया करता नींद की वजह से तो उस पे भी उसको मार पड़ती छोटी छोटी शरारत पे या छोटे से किसी गलती पे उसको बहुत सख्त जो है वो सज़ा मिलती और मालिक उसको बहुत सख्त पीटा करता था और मालकन का जो रवैया था वो भी कुछ ठीक नहीं था यानी वो भी कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं देती थी कि जिससे उस वका को वो सजा देती यानी एक दिन वा को उसने मछली साफ करने के लिए कहा और वो मछली साफ कर रहा था तो उसके मालकन ने वो मछली उसे खींच के उसके मुंह पे दे मारी यानी वो कहना ये चाहती थी कि तुम सब काम सही तरीके से नहीं कर रहे तो ये रवैया था उनके साथ वांका के साथ उनके मास्टर्स का और मिस्ट्रेस का और दूसरा ये कि उसको खाने पीने के लिए भी खुराक जो है वो सही नहीं दी जाती थी जो चाय या फिर जो खाने की अच्छी चीज़ें होती थी वो 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 दोनों खुद आपस में मिल के खा लेते थे और वांका को जो है वो सिर्फ दलिया और इस तरह की जो है वो खाना दिया जाता था और वो भी पूरा नहीं दिया जाता था तो इसलिए वांका जो था वो भूखा भी था वहाँ पे

और उसकी जो मालकन थी वो भी कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देती थी कि जिसमें उसको वांका को बेजत कर सके उसको मलामत कर सके ठीक है उसकी बेजती कर सके एंड ही नॉट फेड वेल ठीक है क्वेश्चन नंबर टू इज वाई डिड वांका फ्रीक्वेंटली लुक फेयरफुली राउंड एट द डोर एज ही रोट हिज लेटर यानी जब वांका अपने ग्रैंड फादर को खत लिख रहा था तो वो बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहा था और डर से खौफ से वो क्यों उस जानब देखता था फिर अपनी लिखाई वो शुरू कर देता था सो इसकी वजह ये थी कि वांका जो था वो डर रहा था वो खौफ महसूस कर रहा था क्योंकि वो जो लेटर था वो अपने मालिक के बगैर पूछे वो लिख रहा था और उसी के कबर्ड से उसके इंक और पेन निकाल के वो खत लिख रहा था इसीलिए उसका मास्टर उसे देख ना ले तो इसीलिए वो उसका इंतजार कर रहा था कि जब वो चर्च की तरफ जाए तो फिर वो अपना खत लिखे और खत लिखने के दौरान वो बार बार इसीलिए दरवाजे की तरफ देख रहा था सो ही फ्रीक्वेंटली लुकड फेयरफुली राउंड द डोर बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज मास्टर हु कुड कम बैक एट एनी मोमेंट ठीक है वो किसी भी लम्हे आ सकता था इस वजह से वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता था

खत में उसने अपने ग्रैंड फादर को जो है वो क्या लिखा उसमें उसने क्या वादे किए अपने ग्रैंड फादर के साथ कि वो उसके लिए क्या क्या करेगा अगर उसको वो वहां से ले जाएगा उस जगह से तो यानी आपने पढ़ा होगा लेसन में वो लिखता है कि मैं आपकी बहुत ज्यादा खिदमत करूँगा आपकी जो है ओबे करूंगा जो काम भी आप करने के लिए कहेंगे चाहे वो खेती बाड़ी हो या बूट पॉलिश करना हो मैं वो करूंगा आपके जो तंबाकू है वो मैं आपके लिए कूट के दूंगा पीस के दूंगा और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपका ख्याल रखा करूंगा और किसी भी किस्म का जरर और नुकसान पहुंचाने से आपको महफूज रखूंगा तो इस किस्म के वादे किए और ये भी कहा कि मैं सारी जिंदगी आपकी लंबी उम्र के लिए आपकी जिंदगी के लिए मैं दुआएं किया करूंगा अगर आप मुझे यहां से ले जाए सो ही प्रोमिस्ड हिज ग्रैंड फादर दैट ही वुड ग्राइंड टुबैको फॉर हिम ही वुड प्लो एंड क्लीन बूट्स इफ ही वॉन्टेड हिम टू वर्क ठीक है प्लो कहते हैं खेती बाड़ी करने को यानी जमीन तोड़ने को कास्ट के लिए जब प्लो की जाती है एंड ही ऑल्सो प्रोमिस दैट वेन ही ग्रू अप यानी जब वो बड़ा हो जाएगा ही वुड टेक केयर ऑफ हिम एंड सेव हिम फ्राम एनी हार्म वो उसे बचाएगा किसी भी किस्म के नुकसान से एंड दैट ही अपने दादा के लिए दुआएं किया करेगा बशर था यहां से ले जाए इस जहानुम से उसे लेके चला जाए द फोर्थ क्वेश्चन इज वट आर दिंग्स विच मेड वांका अनहेप्पी वो कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से वानका नाखुश था और यहां से जाना चाहता था ठीक है <coughs> तो कई वजूहत थी उसकी यानी एक तो उसके मालिक और मालकन का जो जुल्म था उसके साथ जो रवैया था उसकी वजह से वो काफ़ी नाखुश था दूसरा उसको खाने पीने के लिए भी सही खुराक नहीं दी जाती थी सही गज़ा नहीं दी जाती थी ये भी एक वजह थी तीसरी वजह यह है कि वाका जो था उसे वो घर अपना जो नाना था वो शदीद याद आ रहा था अपना गांव अपना विलेज जो है उसे बहुत याद आता था ही वॉज लाइक होम सिख तो, like तो यह वजुहत थी जिसकी वजह से वांका ना खुश था वहां पर द फोर मोस्ट यानी सबसे पहला रीजन जो वजह हैलूक यानी बुरा सलूक एंड क्रूअल एंड मिस्ट्रेस ठीक है और उसके मालकन और जो मालिक है उनका जालिमाना रवैया ये उसके नाखुशी का बायस था सेकेंडली दूसरा ही ही नॉट फेड अप ठीक है? उसे सही खाना नहीं दिया जाता था पूरा खाना नहीं दिया जाता था जिसकी वजह से वो हमेशा भूख महसूस करता था भूखा रहता था तीसरा ही वॉज होम सिक यानी उसे घर बहुत याद आ रहा था एंड फेल्ट शिवर लोनलीनेस और बहुत ज्यादा अकेलापन पे महसूस कर रहा था विच अल्टीमेटली मेड हिम फील आखिरकार वो नाखुश महसूस कर रहा था इन वजूहत की बिना पे द फिफ्थ क्वेश्चन एंड आफ्टर ही वॉज सेंट टू मॉस्को यानी वानका की जिंदगी कैसे थी मॉस्को आने से पहले मॉस्को भेजने से पहले उसकी लाइफ उसकी जिंदगी कैसी थी अपने गांव में विलेज में अपने वालदा और अपने नाना के साथ तो स्टोरी में हमने देखा कि वंका जो था वो ज़ाहिर है वो काफ़ी खुश था जब वो गांव में था मिस ओलगा जो थी वो उसे बहुत प्यार किया करती थी उसकी वालदा की हयात में उसकी वालदा की जिंदगी में ही वो उसे बहुत प्यार किया करती थी जैसे कि वो उसको दूसरी वालदा हो उसे बिस्किट खिलाया करती थी उसे लिखना पढ़ा पढ़ना उसने सिखाया था डांस करना जो है वो उसे सिखाया था और गर्ज ये कि वो काफ़ी खुश था अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में मगर जैसे उसको मॉस्को भेजा गया यानी उसकी जिंदगी उस वक्त चेंज होना शुरू हुई जब उसकी वालदा फौत हो गई वालदा की फौत होने के बाद वो अपने दादा के किचन तक महदूद रह गया था क्योंकि उसका जो नाना था वो किचन में ही होता था दिन के वक्त और रात के वक्त जो है वो ड्यूटी दिया करता था सो वेन हिज मदर वॉज अंका खुशी से बरी जिंदगी थी जब वानका की वालदा जिंदा थी मिस ओलगा टुक स्पेशल केयर ऑफ हिम एंड यूज टू गिस्ट हिम ठीक है मिस ओलगा जो है वो बिस्किट दिया करती थी अपनी मोहब्बत का इजहार किया करती थी उसके साथ शी टॉट हिम टू रीड उसने उसने पढ़ना सिखाया राइट और लिखना भी सिखाया एंड काउंट अप टू हंड्रेड

वो मॉस्को आया उसे मॉस्को भेजा गया तो उसकी जिंदगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई बहुत ज्यादा काबिल रहम हो गई उसकी जिंदगी और उसको ऐसा ट्रीट किया जाता था ऐसा बर्ताव उसके साथ किया जाता था जैसा कि वो कोई गुलाम हो कोई स्लेव हो क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हाउ हैज़ द राइटर मेड हिज डिस्क्रिप्शन मोर विविड के राइटर ने इस कहानी में अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसने जो मनाजिर पेश किए हैं या उसने जो कहानी पेश की है उसको किस तरह से उसने जो है वो विविड पेश किया यानी बिल्कुल इस तरह जैसे हमारी आंखों के सामने जो है वो सब मंजर जो है वो हमारे सामने आंखों के सामने से गुजर रहा है और वो स्टोरी जो है वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने से गुजर रही है तो सबसे पहली बात तो ये है कि राइटर ने अपने स्टाइल अपनी इमेजरी के जरिए ये जो है डिस्क्रिप्शन उसने बड़ी खूबसूरत बहुत विविड डिस्क्रिप्शन उसने दी है और दूसरा ये है कि जो पिक्चरिस वर्ड्स उसने इस्तेमाल किए यानी जो तस्वीरी अल्फाज थे यानी वो अल्फाज जिसको सुनने के बाद हमारी आंखों के सामने बिल्कुल मंजर जो है वो आ जाए स्टोरी में आपने पढ़ा था जब वाका खत लिखते वक्त सोचता है अपने गाँव के बारे में तो बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन राइटर ने दी है और ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे रीडर जो है वो उसको अपनी आंखों के सामने महसूस कर रहा है तो एक जगह पे यहाँ पे है और एंड में इन द मिडल ऑफ द स्टोरी जब वांका अपने फादर के साथ अपने ग्रैंड फादर के साथ फॉरेस्ट जाया करता था मुख्तलि जगहों पे जाया करता था और वो जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल वाजे डिस्क्रिप्शन के जरिए उसने ये कहानी पेश की है सो द राइटर सुपर्बली डिस्क्राइब्स द इवेंट्स एंड पीपल इन द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ इमेजरी एंड पिक्चरिस्क वर्ड्स ही प्रेजेंट शॉर्ट यूडिप मेनी एस्पेक्ट ऑफ वांकाज लाइफ क्वेश्चन नंबर सेवन इज डू यू थिंक वांकाज लेटर वुड रीच टू हिस्स ग्रैंड फादर क्या आपका ख्याल है कि वांका का जो लेटर है वो उसके ग्रैंड फादर तक पहुंच पाएगा तो कहानी में जब हमने पढ़ा तो ये वाजे हो गया था कि जो वांखा का लेटर है वो उसके ग्रैंड तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसने लेटर के इन्वेलप पे, लिफाफे पे ना ही एड्रेस मेंशन किया था और ना ही अपने ग्रैंडफादर का नाम जो है वो मेंशन किया था तो इस वजह से मेरे ख्याल में लेटर जो है वो उसके नाना तक नहीं पहुंचेगा वाई वॉज लेटर टू हिज फादर हिज ग्रैंड फादर वाई क्यों वांका जो था वो अपने ग्रैंडफादर को खत लिख रहा था इसीलिए कि वो वहां पे बहुत सख्त बेजार था उसकी जिंदगी वहां पे अजीरन बनी हुई थी अपने मालिकान के हाथों और वो भूखा भी था और उसे घर भी बहुत ज्यादा याद आ रहा था तो ये वजूहत थी He wanted his grandfather to come and take him home because he could not withstand, withstand यानी मजीद बर्दाश्त करना द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ हिज मास्टर एंड मिस्ट्रेस एनी मोर यानी अपने मालकान को वो जो िमाना रवैया था वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था इन द लेटर ही ओपनड हिज मिजरेबल एंड लॉन्गिंग हार्ट और लेटर में उसने अपना दिल अपना जो मिज़रेबल दिल था वो खोल के रख दिया उस लेटर में सब कुछ बयान कर दिया कि मेरी ये हालत है इन फ्रंट ऑफ इज ग्रैंड फादर एंड बैग्ड हिम उसे इल्तजा की टू कम एंड टेक होम एज सून एज पॉसिबल कि वो आए और जितनी जल्दी उसको यहाँ से ले जा सकता है उसे ले जाए यहाँ से क्वेश्चन नंबर नाइन इज हाउ डिड मिस ओल्गा ट्रीट वांका मिस ओल्गा जो थी वो किस तरह से ट्रीट किया करती थी कैसा सलूक था उसका वाका के साथ तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि मिस ओल्गा जो थी वो बहुत प्यार करती थी वांका के साथ बिस्किट्स उसे दिया करती थी उसे लिखना पढ़ाना उसने सिखाया काउंटिंग उसे सिखाई इवन उसे डांस करना भी जो है वो सिखाया सो मिस ओल्गा ट्रीटेड वांका वेरी वेल well.

यही है जो कि क्वेश्चन नंबर सेवन में हमने दे दिया है। अब हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ सबसे पहला एमसीक्यू है कि वांका वॉर्स वांका जो था वो क्या था एंड ऑर्फन ऑफ नाइन इयर्स अ बॉय हु वेंट टू हेरो हायर स्टडी ए स्पोर्ट्स मैन अ राउडी बॉय तो इनमें से ऑप्शन ए ही दुरुस्त है क्योंकि उसकी उम्र नाइन उसकी उम्र नौ साल थी अंका रोड टू तो हिज ग्रैंड फादर ऑन किस मौके पे उसने अपने ग्रैंड फादर को लेटर लिखा था क्रिसमस ईव पे संडे पे ईद उल फितर या बर्थडे तो क्रिसमस ईव पे उसने अपने ग्रैंड फादर को लेटर लिखा था हु राइट किसने वो को जो है वो पढ़ना और लिखना सिखाया हिज फादर His mother, Miss Olga, या फिर हिज ग्रैंड फादर तो मिस ओल्गा जो थी उसने उसे लिखना पढ़ना सिखाया वाई डिड गो टू मॉस्को वांका जो था वो मॉस्को क्यों गया वो इसलिए गया कि उसके ग्रैंड फादर ने उसे भेजा और एक शू मेकर के पास जूते बनाने वाले शख्स के पास ताकि वो वहां पे उसकी शागिर्दी में आ सके उससे काम सीख सके सो टू बिकम अ मैकेनिक टू बी अप्रेंटिस टू लर्न द ट्रेड ऑफ प्लम टू स्टडी मेडिसन इसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट वन है ताकि वो उसका शागिर्द बन सके टू बी अप्रेंटिस्ट अप्रेंटिस्ट कहते हैं शागि को फिफ्थ एम सी क्यू इज इन द स्टोरी ईल वॉज अ काइंड ऑफ फिश द नेम ऑफ वांका डॉग वेट कैट वांका पैरट अब कहानी में तो ईल जो है वो कुत्ते का नाम था ठीक है वो जो दो कुत्ते थे एक का नाम ईल था और दूसरे का, का टाइप नाम नाम था तो ये दो कुत्ते थे मगर ईल वैसे एक फिश को भी कहते हैं सांपनुमा फिश होती उसको ईल कहा जाता है तो यहाँ पे आप जो है अपने कंफ्यूज नहीं होना बल्कि स्टोरी में जो ईल का जिक्र है उसके मुनासिबत से आपने यहाँ पे जवाब को टिक करना है तो ये जो था क्या था ये असल में नाम था वांका के वांका के कुत्ते का हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम कंट्री साइड यानी कंट्री साइड जो गांव था वहां से वो कहा गया किस जानव गया टू बी अप्रेंटिस टू एलियन द शू मेकर टू बी द स्लेव ऑफ द किंग टू बी अप्रेंटिस टू एलियन द डेंटिस्ट टू बी अ टीचर ऑफ एलियन द शू मेकर तो ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है इसी तरह एम सी क्यू नंबर सेवन है कि वांका राइट दस इज मेक मी स्टील दी ऑरेंजेस द एपल्स द मैंगोज द ककम्बर्स तो यहाँ पे आपने रिकॉल करना है लेसन को कि जो दूसरे शागिर्द होते थे वांका के साथ वो उसे किस चीज पे उकसाते थे किस चीज के लिए क्या चीज चोरी करने के लिए उकसाते थे तो अगर आपको लेसन याद हो तो आप डेफिनेटली ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करेंगे कोकम्बर्स यानी खीरे चराने के लिए वो उससे उकसाया करते थे Number eight is Wanka, rubbed his eyes with. ने अपनी आंखें जो है वो पहुंची किस चीज के साथ अग्रिमी हैंड एंड सोफ्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ अग्रीमी हैंड एंड लॉफ्ट तो लेसन को रिकॉल करने के बाद हमें पता चलता है कि उसने अपनी आंखें जो थी अपने गंदे हाथों के साथ साफ की और साथ ही वो भी ले रहा था साथ में वो रो भी रहा था सो ऑप्शन बी इज द राइट वन वंका रिकमेंडेड हाउ ही एंड हिज ग्रैंड फादर यूज टू रिमेंबर्ड सॉरी वंका रिमेंबर्ड हाउ ही एंड हिज फादर यूज टू गो टू विलेज गो टू इंग्लैंड गो टू द फॉरेस्ट गो टू फील्ड तो खत लिखने के दौरान वंका रिकॉल करता है उसे याद आता है कि किस तरह वो अपने ग्रैंड फादर के साथ जंगल जाया करता था और वहां पे वो दरख्त काट के उसे लाते थे क्रिसमस के मौके पे तो ही वुड गो टू द फॉरेस्ट द ऑप्शन सी इज द द राइट वन लास्ट ऑप्शन इज मिस मिसलगा यूज टू गिव लिटिल वाका बिस्किट्स एंड टॉट हिम टू रीड एंड राइट टॉट हिम हाउ टू रीड टॉट हिम हाउ टू राइट टॉट हिम हाउ टू स्पीक तो यहां पे ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है क्योंकि लिखना भी पढ़ना भी सिखाया उसे और लिखना भी सिखाया लेट्स कम टू द ट्रू एंड फॉल्स सेक्शन वॉज अ शू मेकर बिल्कुल सही है वो जूते बनाने वाला शख्स था वांका हैड थ्री डॉग्स फॉल्स उसके पास दो ही कुत्ते थे वांका रोट अ लेटर टू हिज ग्रैंड फादर डेट ही वॉज वेरी हैप्पी इन मॉस्को क्या वाकई में वो खुश था बिल्कुल नहीं वो नाखुश था मॉस्को में वांका रोड द करेक्ट एड्रेस ऑन तो बिल्कुल गलत है वांका ने जो है वो एड्रेस पूरा लिखा ही नहीं एनवेल पे ठीक है तो दैट इज फॉल्स वांका लिव्ड इन अ विलेज बिल्कुल सही है वो गांव में रहा करता था वांका कुड नॉट स्लीप एट ऑल बिकॉज ही हैड टू रॉक द क्रेडल बिल्कुल ठीक है क्योंकि बच्चे को झूला जुला, झुलाने की वजह से अक्सर उसकी नींद जो थी वो खराब हो जाया करती थी वांका रोट टू हिज ग्रैंड फादर आई विल ग्राइंड माई टूबैको फॉर यू यानी यहां पे सिर्फ माई जो है वो वर्ड गलत दिया हुआ है आई विल ग्राइंड योर टोबैको फॉर यू ठीक है टोबैको जो था वो उसके नाना का था ना के वांका का तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है मिस ओलगा वाज वांकाज मदर फॉल्स है ठीक है वांका जो जो थी, वो वांका की मदर नहीं थी बल्कि वहां, वहां पे उनकी मालकिन थी। डाइड ही वाज बैनिश्ड टू द किचन बिल्कुल सही है वो किचन तक महदूद हो गया अपनी वालदा की फौतगी के बाद एंड नंबर टेन इज वाज टेन इयर्स ओल्ड फॉल्स क्योंकि वो नौ साल का जो बच्चा था वो सो दैट इज द दिहशन क्वेश्चन एंड दिक्यूर्स इनशाला द रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स थैंक यू